बाप ने कमाया, बेटे ने घुमाया। हमारा पैसा हमारे को देने को सिर्फ भाषण करना। मुल्क में इतनी तंगी चल रही है, ऐसा ही देश चलाएंगे? लोगों को झगड़ा लगा के चाय बना के लोगों को देता था, कब सा दर्द होता था, ये बोल के वो हमेशा लोगों को अपनी गरीबी का एहसास कराते। मोदी झूठ झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये झूठ के सरदार है। हमने उनकी 40% सरकार को निकाल दिया, अब वो यहां 30% बोल रहे हैं। तो बीजेपी का वहां 40% था और यहां कांग्रेस को इसलिए बोल रहे 30% कि यहां पर कुछ भी करप्शन नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो मिल रहा है, लेकिन किस ढंग से बदनामी करना, चलो इनको भी कुछ बोलेंगे। तो वो 30% बोलते फिर रहे हैं। भाई मोदी जी, आपने जो वायदा किया वो तो निभाया नहीं, लेकिन जब कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, इन्होंने जो वायदा किया था और वो भूपेश बघेल जी से करवाया, ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है और उन्होंने पूरा किया। क्या क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किस सरकार ने की? ये तो कांग्रेस ने की। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन किसने लागू की? वो तो कांग्रेस ने की। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल किस सरकार ने खोली? कौन खोले? कांग्रेस ने खोली। बिजली बिल आधा, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाई किस सरकार ने किया? कांग्रेस ने। अब आगे जो करने वाले हैं उसमें हमने वायदा करके आपको बताया है। पहले की तरह इस बार भी फिर किसानों का कर्ज माफ होगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को फ्री, विदाउट फीस उनको पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर्स बनाए जाएंगे। ये सब हम वायदा किए हैं, क्योंकि गरीब के बच्चों को पीजी में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, फीस उनको नहीं मिलता। लेकिन हमने ये वायदा कर रहे हैं कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षण आपको मिलेगा। ये वायदा हम करते हैं, क्योंकि शिक्षा ये बहुत बड़ा महत्व का है। बहुत बार जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सभी ने कहते थे कि हमको शिक्षा देना बच्चों को अवश्य है। वो काम कौन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट करने जा रही है। गैस सिलेंडर पर 500 प्रति सिलेंडर सब्सिडी महिलाओं के खाते में जमा होगा। 200 यूनिट तक मिलेगी बिजली मुफ्त और 17,50,000 गरीब परिवारों को खुद का घर मिलेगा। इन्होंने तो ये कहा, मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, हमारी सरकार अगर आएगी आपको करोड़ों मकान बना के सबको फ्री में निवास देंगे। क्या दिया? अगर देते तो इतने लोगों को देने की हमारी आवश्यकता नहीं थी।
और उनका काम हमेशा यही है, जहां जहां अपोजिशन की सरकार है उनको सताना। जो छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है आज वो नहीं मिल रहा, बीवी उसको कट करके दे रहे, सताते हैं। क्या उनका पैसा है? क्या उनका घर का पैसा है? अरे ये तो लोगों ने दिए हुए टैक्स के पैसे हैं, ये जीएसटी के पैसे हैं, ये माइनिंग के पैसे हैं, लेकिन ये पैसा, हमारा पैसा हमारे को देने को मोदी इतना सताते हैं, फिराते हैं कि क्या इनकी जागीरी है? अरे हमारा हक है, और आदिवासी लोग, गरीब लोग मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का नहीं खाते हैं। अदानी अंबानी और उनके दोस्त शाह, ये सब लोग क्या करते हैं? ये तो सब उनको मदद करने की कोशिश करते हैं, और यहां पर आज आदिवासी तड़प रहे, और शेड्यूल कास्ट के लोग भी उतने ही वंचित है अपने हकों से, लेकिन उनको चिंता नहीं, सिर्फ भाषण करना। मुल्क में इतनी तंगी चल रही है, खास करके आपको मालूम है मणिपुर में कितना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वहां पर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दिन भी मोदी साहब जाकर वहां शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा ही देश चलाएंगे आप लोगों को झगड़ा लगा के? और आज 8 महीने से वहां चल रहा है, आप आंखें मूंछ के बैठे हो, और वो करप्ट है, ये करप्ट है, और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के सब एजेंटों को, ऑफिसरों को यहां डाल दिए हैं। अरे आप कितना भी सीबीआई को लगाओ और ईडी को लगाओ और सीसी को लगाओ, ये छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगे और फिर कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, इसको 138 साल का इतिहास है, और हमारे लोग फांसी पे चढ़ के आजादी दिलाई है, हमारे लोग जेलों में जाकर आजादी दिलाए हैं, हमारे लोग अंग्रेजों से लड़ के आजादी दिलाई। तुम क्या दिए? तुम्हारे पास कोई गया बीजेपी में जेल? आरएसएस का कोई गया है? अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो, और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति संविधान और लोकतंत्र के तहत चल के उन्होंने सब कुछ किया, एक आदमी को भी उन्होंने नहीं सताया, उल्टा उनके वाजपेयी भी तारीफ करते थे, इंदिरा गांधी जी का, नेहरू जी का। लेकिन यहां सुबह उठते ही बीजेपी वाले मोदी जी सबको गालियां देने का एक ही, मैं समझता हूं उन्होंने गालियां देने का एक कारखाना ही खोला। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, बीएल बीएचईएल और दूसरे दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास, हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो
बार बार ये लोग यही कहते हैं। क्या बोला उन्होंने, 2014 में हुकूमत में आने से पहले, भाइयों और बहनों तुम लोगों को अगर मेरी सरकार आ गई, तुम लोगों को मैं बाहर से जो एक कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए, फिर झूठा कौन बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं आप बताइए। मोदी झूठ, या मोदी झूठ बोलना या नहीं तो तुम झूठ बोलना, लेकर चुप बैठे होंगे। नहीं ना, तो मोदी झूठ बोल रहा है, 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहां है भाई तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? 4-6 हजार नौकरियों के लिए ये जाकर पर्चे पाटते हैं अपॉइंटमेंट के, ये है इनका नियत। 2 करोड़ नौकरियां नहीं, ये भी झूठ बोले। अगर हम बोलते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ का सरदार है,